अगर मैं जल्दी वेताल मृत के चक्र के दायरे से बाहर नहीं निकली तो मैं बच नहीं पाऊंगी। अभी मेरे पास मेरी शक्तियां नहीं है, वरना तुम्हारा वो हाल करती थी। मैं जानती हूँ बिना शक्तियों की उस पेड़ तक कूदना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये लोग मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। चलो चेतारी, अविनाश जी, इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो क्या करेंगे निशा जी? कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं। अगर इन लोगों ने हमें काट लिया तो हमें से कोई नहीं बचेगा। ये कैसे हुआ? हुआ नहीं, किया है। हम ठीक हैं। आप सब लोग जल्दी चलिए, हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। गुड़िया सही कह रही है, हमें जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पहुंचना होगा। कहां जाएं? उस तरफ चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, चलो चेतन भागो। हम लोग काफी दूर निकला है, शायद अब वो मृतकी हमारा पीछा न करे। हद हो गई, नॉर्मल लोगों से तो मेल मिलाप जैसे बंदी हो रखा है हमारा। आजकल तो बस हमारी जिंदगी डायन, दुकान, सरपाइन, बैसासुर, चुड़ैल इनके इर्द गिर्द घूम रही है। और अब ये तो बड़े अजीब विचित्र प्राणी है। जिंदा लगते है लेकिन ऐसा लगता है उनके अंदर आत्मा नहीं है। ये लोग है कौन? वेताल मृतकी है। वेताल मृतकी? हाँ, लगता है जैसे इस इलाके में किसी ने वेताल मृतकी का चक्र बिछा रखा है। ऐसे में अगर इस इलाके में कोई मरता है तो वो एक मृतकी बन जाएगा और वो दूसरों को भी मारता रहेगा। हाँ निशान जी, ऐसा कौन कर सकता है? मोहना, उसके अलावा ये और कोई कर ही नहीं सकता। ये उस ससुरांज के पिछले 3 दिन के फोटोग्राफ्स है। उसने क्या किया, वो कहाँ गया, सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। आपका ये राक्षस का फोटो पुलिस में दे के मतलब पोस्टर वोस्टर लगवाने वाली है क्या? मोस्ट वांटेड का पूर्णिमा की रात आने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये असुरांश जरूर अपने नेक्स्ट शिकार को ढूंढ रहा होगा। शायद इन पिक्चर से हमें क्लू मिल सकता है कि उसका अगला शिकार कौन होगा। नमन, ये लड़की इस फोटोग्राफ में भी है
और इस फोटोग्राफ में भी है। अच्छा, इसका मतलब है कि इस ससुर के नाती का अगला शिकार यही है। शायद अगर इस लड़की का भी जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो पक्का यही लड़की उस असुरांश का नेक्स्ट टारगेट है। मृतकियों से बचने का कोई रास्ता तो होगा, उन्हें मारने का कोई तो उपाय होगा। शेखर जी, जहां तक मेरा अंदाजा है, इन मृतकियों को मारा नहीं जा सकता, और अगर इन्हें मारने का कोई तरीका है भी मुझे नहीं पता। लेकिन निशान जी, अगर किसी तरीके से इस बेताल मृतकी चक्र को तोड़ दिया जाए तो? I'm sorry, बेतुशी जी, इस चक्र को तोड़ा नहीं जा सकता। उनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इस बेताल मृतकी चक्र से बाहर निकल जाएं। ये जगह उनसे बचने के लिए काफी नहीं है। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? जल्दी से इस चक्र से बाहर निकल जाते हैं ना। चेताली बिल्कुल ठीक कह रही है निशान जी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। अरे लेकिन बच्चा, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? बच्चे को अकेले छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हैं, अगर ये मृतकी उस तक पहुँच गए तो। वैनिशी ठीक कह रही है, हम ऐसे बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन भाई साहब, हमें तो ये भी नहीं पता कि बच्चा है कहाँ। मुझे पता है, मैंने एक बार अंश को अपने पुराने घर का रास्ता बताया था, बच्चा उसी रास्ते को फॉलो कर रहा है। हाँ माँ, और हमें लगता है कि बच्चा पिया के पुराने घर में होगा और उसे वहां पर कोई खतरा नहीं है। हे भगवान, खतरा तो यहाँ है, वो देखो। भाभी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, वरना अगर ये विचित्र प्राणियों ने हमें देख लिया तो फिर से हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और अगर हमारा पीछा करते करते वो बच्चे तक पहुँच गए तो हमारी वजह से बच्चे की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हम इनका ध्यान तो भटका सकते हैं ना निशान जी। आपने बिल्कुल सही कहा वेत्री जी, हम लोग यहाँ मिलकर इनका ध्यान भटकाएंगे। और अंशुल भैया, तुम दोनों मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाना और बच्चे के पास चले जाना। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मृतकियों का ध्यान अपनी तरफ खींचना खतरनाक हो सकता है। वो लोग इतने सारे हैं, आप लोगों को कुछ हो गया तो? पिया, ये सब मत सोचो, अभी तो बिल्कुल भी मत सोचो, तुम बस यहाँ से निकलो। पिया, तुम्हें बच्चे के पास पहुँचना है, हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन माँ, आप तुम बहस मत करो, भाभी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। अंश, बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, तुम लोग दोनों जाओ, जल्दी से जाओ। जाओ पिया, अंश निकलो ना यहाँ से, जाओ बेटा जाओ। निशा जी, क्या करें अब? तेज आवाज करने के लिए कोई सामान ढूंढिए ताकि इन्हें भटका सके। लेकिन कैसे? वो देखिए थालियां। चलिए जी, ले लीजिए पंडित जी, उस लड़की की सारी डिटेल्स। अबे ये तुमको कहाँ से मिली? ये मेरी फ्रेंड की बहन है। इसकी जन्म तिथि और समय का तो पता चल गया, परंतु कुंडली के लिए तो पंचांग की आवश्यकता है। हाँ, मैं लाई। हमारा शक सही निकला, लड़की का नक्षत्र भी रोहिणी ही है। मतलब? इसका मतलब है कि उस असुरांश का अगला शिकार ये लड़की है। संभव है? फिर तो हम लोगों को अभी चल के इस लड़की को सावधान कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बड़ा खतरा फिर भी रहेगा। हमारा मेन टारगेट है उस राक्षस को पकड़ना, और उसका जरिया बनेगी ये लड़की। अविनाश जी, हम इन्हें उठा के रखते हैं, आप चेताली जी को गाड़ी तक ले जाइए, जाइए। ठीक है। अविनाश, अपना ख्याल रखना।
क्या हुआ? एक मिनट। चेताली, दरवाजे अंदर से लॉक कर लो और कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत उतरना, ठीक है? भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना।